इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। कारकुनों ने दूसरी रात भी जमान पार्क लाहौर में गुजारी। खेमों के बाहर पार्टी तरानों पर भंगड़े। सीनियर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुराद सईद, एजाज चौधरी, जमशेद चीमा भी पहुंचे। सदर आरिफ अलवी की पीटीआई चेयरमैन से चंद घंटों में दो मुलाकातें। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन को धमकियों के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का दोरोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले कर दिया गया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर से पकड़े गए पीटीआई रहनुमा की इस्लामाबाद मुंतकली के बाद अदालत पेशी। ईसीपी वकील की जानिब से 8 रोजा रिमांड की इस्तेदा की गई। फवाद चौधरी की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज किया जो बाद में सुना दिया गया। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। दोबारा समाअत पर आईजी पंजाब भी पेश हुए। गिरफ्तार रहनुमा हमारी तहवील में नहीं। पुलिस सरबरा का बयान। अदालत ने मामला खारिज कर दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी क्या है? इन्हें गिरफ्तार किया गया और रिमांड के लिए मुतालिका अदालत में पेश किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख रिमार्क्स। मेरा मोराल बुलंद, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान में तकसीम बढ़ा दी गई। कोई इशू नहीं, इस सख्ती को भी झेल लेंगे। ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जद्दोजहद में हम कप्तान के साथ हैं। ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। फवाद चौधरी की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जद्दोजहद जारी रहेगी। हमने शफाफ इलेक्शन के लिए दो हुकूमतों की कुर्बानी दी। अब अवाम अदलिया की जानिब देख रहे हैं। इमरान खान का वीडियो खिताब। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी तो पार्टी शुरू हुई है, मजीद पकड़ धकड़ भी होगी। इसीलिए असेंबलियां तहलील ना करने का मशवरा दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का रद्द अमल। जब पावर में थे तो गलत आदमियों की छित्रौल करते थे। साबिक वज़ीर दाखिला की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। उम्मीद है आप जिम्मेदारी आइन के मुताबिक अहसन तरीके से निभाएंगे। इलेक्शन के अमल को गैर जानबदाराना और शफाफ बनाने में भी किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से हड़ताल की कॉल। हुरियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया का रद्द अमल। झूठे दावों के साथ भारत आज फिर यौम जमहूरिया मना रहा है। 70 साल से कश्मीरियों की आज़ादी और जीने का हक छीन रखा है। काबिज फोर्सेज कश्मीरियों के घरों और बस्तियों को जला रही है। मशाल मलिक का वीडियो बयान। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भारतीय मंसूबा बेनकाब। हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया पर मकबूजा वादी में दरअंदाजी का प्लान। पुंछ सेक्टर में मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता चल गया। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल। अजली दुश्मन के मजमूम अजायम को बड़ा धचका। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिदत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश। वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कलात में पारा -11, कालाम -8, कोयटा में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M11 लाहौर से सियालकोट, लाहौर से मुल्तान मोटरवे को जड़ामाला तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया।